मैं आपका मित्र आचार्य विनोद श्रीमाली जी आज आपको भगवान शंकर की उत्पत्ति से संबंधित कथा सुनाने और बताने जा रहा हूँ। पहले अपने समस्त मित्र जन बंधु जन एवं माताओं बहनों को नमन करते हुए जय श्री कृष्णा जय श्री राधे राधे जय श्री राम बोलते हुए अपनी बात को अब आगे रखता हूँ। तो जरा ध्यान से सुनिए, आखिर कैसे हुआ भगवान शिव का जन्म और कौन है इनके पिता, इस पौराणिक कथा में छिपा है रहस्य। त्रिदेवों में से एक देव है शिव, लॉर्ड शिवा, जिन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव को कई और नामों से पुकारा जाता है, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ इत्यादि। तंत्र साधना में भगवान शिव, लॉर्ड शिवा को भैरव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। भगवान शिव वेद में इन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। शिव इंसान की चेतना के अंतर्यामी हैं, यानी इंसान के मन की बात पढ़ने वाले हैं। इनकी अर्धांगिनी यानी देवी शक्ति को माता पार्वती के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं और एक पुत्री अशोक सुंदरी भी हैं। शिव जी आपने अधिकतर योगी या ध्यान की मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव जी के गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं और इनके हाथों में डमरू और त्रिशूल दिखाई देता है। भगवान सदाशिव परम ब्रह्म है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अकेले रहकर अपनी इच्छा से सभी ओर विचरण करने वाले सदाशिव ने अपने शरीर से देवी शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना गया और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में। वहीं देवी शक्ति को प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित माना गया। श्रीमद देवी महापुराण के मुताबिक भगवान शिव के पिता के लिए भी एक कथा है। देवी महापुराण के मुताबिक एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, आपने, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने, आप तीनों को किसने जन्म दिया है, यानी आपके तीनों के माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्म यानी काल सदाशिव पिता है। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं प्रजापिता हूँ। इस पर विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में जानकारी कैसी लगी, कृपया आप हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब मित्रों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।